Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back in the new video. Dear students, today again we are going to talk about the four prepositions. Four or two or three, jitne bhi hue beta. But the thing is that ke hum difference dekhenge between the until, by and till mein. Teen preposition hote hain beta. Ye aksar hum kahin kahin par mistakenly bhi use kar jate hain. So let's have a look on them. Ke hum inka istemal kis tarah se kar sakte hain. So let's go to the first slide. Yes, here. The very first thing that how can we differentiate until and till. सबसे पहले इनको डिफरेंस समझ लें, फिर हम until और by का डिफरेंस देखेंगे. बेटा इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. On a very serious note, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. देखो यहाँ पर भी बेटा as it is mentioned here that till and until mean the same thing. मतलब दोनों सेम चीज को रिफर करते हैं. फर्क कहाँ पर होता है? दे इंडिकेट हाउ लॉन्ग इट एक्शन इज हैपनिंग एट द स्टार्ट ऑफ एंड. अंटिल बेटा हम लोग लगाते हैं. अंटिल और बाय का जब डिफरेंस देखेंगे फिर मैं समझाऊंगा कि अंटिल हम कहाँ पर लगाते हैं. लेकिन अभी ये समझ लें कि अंटिल और टिल में कोई फर्क नहीं होता. जो आपके पास बेटा टिल है ना, टिल का जो यूज है दैट इज अ लिटल सॉरी वो थोड़ा सा पुराना है. पुराने से मुराद ये है बेटा कि इट वॉज यूज मैनी वेरी टाइम अगो, बहुत टाइम पहले की बात है जब यूज होता था. लेकिन अभी जो है ना नॉर्मली हम अंटल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं रेदर देन यूजिंग द टिल. बेसिकली देखा जाए तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा. तो अब हम देखेंगे कि अंटिल और बाय में क्या डिफरेंस होता है. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज पार्ट वन. ओके, सबसे पहले बेटा हम बाय को देख लेते हैं कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं. बेटा बाय के इस्तेमाल के लिए हम सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बाय बेसिकली बेटा आपके पास सेंटेंसेस में ज़्यादातर प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है. हम इनको विद और बाय के सेंस में भी हमने इसको देखा था और समझा था. आई होप सो आपको तब भी समझ आ गई होगी बेटा. अब हम कंपेरिजन में देखना चाहते हैं कि बाय और अंटिल को जब हम कंपेरिजन में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर बाय का यूज़ किस तरह से होगा. तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि जब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा. डेडलाइन के बारे में बात करते हैं. हम किसी को भी किसी भी कोई भी काम करने की जब डेडलाइन देते हैं ना तो वहाँ पर हम बाय का इस्तेमाल करते हैं कि दिस इज योर डेडलाइन और इस डेडलाइन तक आपका काम मुकम्मल हो जाना चाहिए. वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द डेडलाइन और द थिंग द टाइम व्हेन समथिंग और सम पीरियड एंड्स. हमें बस उससे मतलब नहीं होता कि हमने एक डेडलाइन दे दिया आपको या ये वाली डेडलाइन दे दी. आप उससे कितनी देर पहले, एक घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट पहले एक्शन करना कंप्लीट कर रहे हो, वी डोंट मीन. बस हमें डेडलाइन से मतलब है, मुझे इस डेडलाइन तक काम कम्प्लीट चाहिए. ठीक है बेटा. अच्छा और आगे देख लें, एग्जाम्पल्स देख लें. द स्टूडेंट्स मस्ट रिटर्न इन देयर रिपोर्ट्स बाय फ्राइडे. बाय फ्राइडे मतलब फ्राइडे डेडलाइन है. ये वाली डेडलाइन है आपकी, ये वाले आपके डेज हैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे और ये वाली आपकी डेडलाइन है. मुझे इस दिन काम कंप्लीट चाहिए. आई डोंट मीन दैट कि आप इन पहले दिनों में कुछ करो ना करो. आई डोंट मीन मुझे इस डेडलाइन पर चाहिए. वी नीड टू सबमिट दिस बाय 5 PM. आपको ये जो काम है 5 बजे तक सबमिट करवाना है. ठीक है, 5 बजे सबमिट करवाना है, ये समझ लें. ही मस्ट फिनिश दिस बाय नेक्स्ट वीक. उसको ये वाला जो काम है नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करवाना है. वी डोंट मीन दैट कि वो पहले करवा रहे नहीं करवा रहा, बस नेक्स्ट वीक इज योर डेडलाइन. हमें तब तक ये काम कंप्लीट करवाना है. नीचे देख ले कुछ एग्जाम्पल्स दैट वी यूजुअली यूज द वर्ड हैव Not and or must when we are using by. हम जब by को use कर रहे हैं ना तब उनके साथ हम need को, have को और must को use कर सकते हैं. Example, we need to leave by 9 PM. ठीक है बेटा, we need to leave by 9 PM. अब by 9 PM is your deadline और need हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. I have to finish my report by Thursday. अब have to लगा हुआ है और by के साथ आप लगा सकते हो. इसी तरह से हमने must का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है with the help of by next week. इसी तरह से अगर देखा जाए सेकंड जिसका प्रपोजिशन है बेटा वो क्या है, वो है हमारे पास अंटिल. अंटिल का यूज किस तरह से होता है तो इसको थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं अच्छे से ताकि आपको चीजें इजीली समझ आ जाए. अच्छा तो बेटा जो अंटिल का यूज है ये भी बींग अ प्रपोजिशन सेंटेंस में इस्तेमाल होता है. हम इसमें जब बात करते हैं ना तो वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट अंटिल अ डेडलाइन और द एंड ऑफ सम पीरियड ऑफ टाइम. किसी एक्शन को जब हमने डेडलाइन देनी है ना, डेडलाइन दे रहे हैं लेकिन हम इसमें पूरे टाइम को कंसिडर कर रहे हैं दैट वी आर गिविंग टू समवन. यहाँ से लेकर यहाँ से यू नीड टू सबमिट योर असाइनमेंट अंटिल फ्राइडे. तो अंटिल फ्राइडे से मुराद ये है कि जब स्टार्ट हो रही है तब से लेकर वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द टाइम. लेकिन बाय में हम टाइम के साथ कंसर्न नहीं होते. वी डोंट आर कंसर्न विद दैट टाइम.
आगे देख लें। सो बाय ओनली रिफर्स द डेडलाइन, बाय सिर्फ डेडलाइन को जाहिर करता है, बट अंटिल रिफर्स टू ऑल बिटवीन नाउ और द टाइम बिटवीन नाउ एंड द एंड ऑफ समथिंग, अभी से लेकर जब तक वो काम जो है बेटा सबमिट नहीं हो जाता, तब से लेकर तब तक जो टाइम है हमें उससे क्या है कंसर्न होते हैं। आई हैव टू वर्क अंटिल 10 PM, मुझे जो है वो 10 PM तक काम करना है। इसी तरह से वी कैन हैंड वी कैन हैंड इन द रिपोर्ट एनी डे अंटिल फ्राइडे, हम फ्राइडे तक किसी भी दिन जो है ना वो ये रिपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं। द स्टोर इज ओपन अंटिल 1 AM, मतलब अभी भी खुला है, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 10 बजे तक जो है ना ये क्या होगा बेटा, 1 बजे तक सॉरी खुला रहेगा। अच्छा आगे वाले देख लें, अंटिल कैन बी यूज इन लॉन्गर फॉर्म, फ्रॉम कोई काम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है बेटा, फिर स्टार्टिंग टाइम, उसके बाद प्लस अंटिल लगेगा और प्लस एंडिंग टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। देखिए नीचे एग्जाम्पल्स में, आई विल वर्क फ्रॉम 9 अंटिल 5, हम ये फ्रॉम के सेंस के साथ भी इसको लगा सकते हैं, फ्रॉम प्लस स्टार्टिंग टाइम अंटिल 5 AM, मतलब टू के सेंस में भी, देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि हम इसको टू की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन गो फ्रॉम 10 AM अंटिल 10 PM, देखो अब 10 AM से लेकर 10 PM तक के बीच का जो टाइम है ना, 10 AM से लेकर 10 PM तक का जो टाइम है ये सारा इसके बीच में कंसिडर हो जाएगा। द पार्क इज ओपन फ्रॉम मई टू सेप्टेम्बर, अब ये पार्क कब तक खुला रहेगा, मई से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट सारा टाइम बीच में आ रहा है, लेकिन बाय में हमें ये टाइम कंसिडर नहीं होता, बाय में सिर्फ हमें डेडलाइन से जो है ना वो मतलब होता है। नीचे लिखा हुआ है कि हम टू को रिप्लेस कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं, द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 8 AM टू 9 PM, वही बात है, सिर्फ हमने एंटिल की जगह पर क्या यूज कर लिया बेटा, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पर टू को यूज़ कर लिया। इसी तरह से बेटा इसकी लास्ट स्लाइड है, इसमें कुछ डिफरेंसेस आपको बताए गए होंगे उनको देख लेते हैं। नोटिस दैट वी डू नॉट यूज वर्ड्स नीड हैव और मस्ट विद अंटिल, हम ज़्यादातर इसके साथ इस्तेमाल नहीं करते, अंटिल के साथ जो है ना वो ये वाले वर्ड्स सूटेबल नहीं लगते, वी आर नॉट सपोज टू यूज दीज वर्ड्स लाइक नीड हैव एंड मस्ट विद अंटिल। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इसकी जगह पर हम वर्ड्स लाइक विल को, कैन को एंड बी वर्ब्स को अंटिल के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे दो सेंटेंसेस लिखे हुए, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। आई कैन नॉट लीव अंटिल 3 PM, अब इसका मतलब ये है दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू लीव बिफोर 3 PM, मैं 3 बजे से पहले पहले नहीं जा सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं अभी से लेकर 3 बजे तक, मतलब अभी अगर 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे हैं, अभी भी नहीं जा सकता, 10 बजे भी नहीं जा सकूंगा, 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक मैं नहीं जा सकता, उससे पहले मेरे जाना पॉसिबल नहीं है, हमें सारे टाइम के साथ कंसर्न है जो उस डेडलाइन से पहले पहले है। आगे देख लें, आई मस्ट लीव बाई 3 PM, दिस मीन्स दैट आई नीड टू लीव एनी टाइम बिफोर 3, इसका मतलब ये है कि मुझे 3 बजे से पहले पहले किसी भी टाइम जो है ना वो जाना है, मतलब मुझे 3 बजे से पहले जाना है, मैं कभी भी चला जाऊँ, आई डोंट मीन दैट, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इफ आई लीव आफ्टर, अगर मैं 3 बजे से पहले जो है ना वो बाद में जाऊँगा तो देर विल बी द सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड ट्रबल फॉर मी। आई होप सो बेटा आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको और वजाह के साथ समझा सकूँ तो मैं ऐसा कहूँगा बेटा कि जो बाय लग जाता है, जब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो हमें बस उसे एक डेडलाइन के बारे में कंसर्न करता है, ठीक है बेटा, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बाय से मुराद होती है कि इसके बाद नहीं, और अंटल से मतलब होता है कि इससे पहले पहले, हालांकि देखने में देखा जाए तो बेटा दोनों सेम है, दोनों सेम है, लेकिन जब हम कहते हैं ना इसके बाद नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हम इससे पहले वाले टाइम के साथ जरा भी कंसर्न नहीं है, मतलब देट इज अ डेडलाइन, इसके बाद मैं 1 मिनट ऊपर नहीं आपको दूंगा, आपने इससे पहले पहले साइन में जमा करवानी है। लेकिन जब बेटा आप अंटिल इस्तेमाल कर रहे हो ना, मतलब इससे पहले पहले, इससे पहले पहले कभी भी, अभी, इस वक्त, इस वक्त, इस वक्त, किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हो, अपनी असाइनमेंट जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है वो जमा करवा सकते हो। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी बेटा, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स, एंड चाहे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।